मुझे बुला लिया बाहर, मैंने अभी तक बातचीत की नहीं, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ तो एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, हल्की फुल्की अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद मतलब कुछ कह सकते हैं इट्स टू अर्ली। अभी तक मतलब कि मैंने किसी से पूछा भी नहीं है, मतलब कि रिस्पॉन्स के लिए मतलब पूरी फिल्म देखनी चाहिए लोगों को और उन्हें मौका देना चाहिए हमें कि वो पूरी फिल्म देख लें। आपने देखी आधी फिल्म? I am expecting what you expect from a Rajshri film, जो मतलब कि लोगों के दिल को छूती है, लोगों के दिल में बस जाती है। इन्होंने तो बहुत बढ़िया काम किया है, इतना मैं कह सकता हूँ अभी तक, मतलब कि एक डायरेक्टर का काम, पूरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं होती आपको डायरेक्टर के काम की तारीफ करने के लिए, एंड आई थिंक ही हैज रियली रियली डन सच अ सेंसिटिव जॉब। जी बिल्कुल, कह रहे हैं कि काफ़ी कम नजर आया। मेरे ख्याल से जो भी आप केमिस्ट्री ने आपने इंटरवल पॉइंट तक देखी है, मेरे ख्याल से ये दोनों तुषार और अमृता की मेहनत है। उन्होंने अपने कैरेक्टर को इतने अच्छे से समझा है और इतने अच्छे से किरदार में वो उतर गए हैं, सो आई थिंक वॉट एवर केमिस्ट्री यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन इज ऑल थैंक्स टू तुषार और अमृता। नहीं देखी अभी तक, या उन्होंने देखी है, उन्होंने तो दो हफ्ते पहले देखी थी, उन्हें बहुत पसंद आई थी, उन्होंने मुझे एक नोट भी भेजा था, अमृता को भी नोट भेजा था और मनस्वी जी को भी नोट भेजा था। अमृता आपसे जानना चाहेंगे, आप उससे क्या लोगों से बातचीत हो रही है, फिल्म देख रहे हैं, लोग क्या कुछ चाह रहे हैं, आपसे कुछ बातचीत हुई है? मेरी भी अभी भी किसी से बात नहीं हुई है, क्योंकि पहले हमने बात किया फिल्म की शुरुआत में, सबसे द कास्ट एंड क्रू स्पोक टू द ऑडियंस एंड आफ्टर विच वी जस्ट बीन वॉचिंग द फिल्म ऑल ऑफ अस। मैं भी फिल्म को पहली बार देख रही हूँ विद द कम्प्लीट फिनिशिंग, तो मुझे अच्छा लगा। इस बार अभी यू नो लाइक दिस इज़ नॉट द टाइम टू एक्सपेक्ट एनीथिंग, दिस इज़ द टाइम टू लिव द प्रेजेंट, क्योंकि इतने सारे लोग आए हैं मीडिया के दुनिया से और कलाकार कार्टून की दुनिया से भी काफ़ी आर्टिस्ट आए हैं। वी हैव लॉट ऑफ आर्टिस्टिक गेस्ट्स हियर, वी हैव सम पीपल फ्रॉम द म्यूजिक इंडस्ट्री, वी हैव सिंगर्स, वी हैव कार्टूनिस्ट्स हु कॉन्ट्रीब्यूट टू डेली न्यूज़ पेपर्स, और हमारा प्रोटैगनिस्ट, फिल्म का प्रोटैगनिस्ट भी एक कार्टूनिस्ट है। तो राइट नाउ आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट एवरीबडी इज़ हियर। इतना मेहनत करने के बाद इसी दिन का इंतज़ार होता है कि लोग आए, एक कलाकार को और क्या चाहिए, सिर्फ प्रशंसा चाहिए, तो उम्मीद करते हैं कि उनको हमारा काम अच्छा लगे। वो कोई कॉम्पिटिशन हम दोनों के बीच में नहीं है, क्योंकि रागनी एम एम एस एक बहुत ही अलग टाइप की फिल्म है और हमारी बहुत ही अलग टाइप की फिल्म है, और मैं चाहूँगा कि दोनों फिल्में चलें, क्योंकि अगर दोनों अच्छी हों तो ऑडियंस दोनों फिल्में देख सकती है, तो कंपटीशन क्यों, मतलब कि अगर एक केक हो आपके पास तो मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ तो है ना, मतलब एक केक से एक आदमी को थोड़ी ना जाएगा। नहीं मैंने अभी तक नहीं देखी, मैं अपनी खुद की फिल्म पहली बार देख रहा हूँ, इतना टाइम मिला ही नहीं मुझे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, तो अब जाकर मतलब मैं दोनों फिल्में देखूंगा, सबसे पहले अपनी फिल्म देखूंगा फिर दूसरी देखूंगा। हाँ मुझे मुझे चाहिए जो मैं अपनी फिल्म से चाहूँगा
उसके बलबूते मैं डिसाइड करूँगा कि मैं अपसेट हूँ या खुश हूँ या बहुत एक्साइटेड हूँ। दूसरी फिल्म के बारे में सोचूंगा नहीं, मैं मतलब कि दोनों फिल्में चलनी चाहिए तो बाजी की बात आती ही नहीं क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, आई थिंक दोनों फिल्मों का टारगेट ऑडियंस अलग है और दोनों फिल्मों का स्टाइल अलग है, जॉनर अलग है, तो दोनों फिल्में भी अपनी अपनी तरह से बहुत अच्छी चल सकती हैं। हम ये क्यों आप कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के विरुद्ध हैं, हम साथ साथ हैं।